आज तो एम्बुलेंस को लेकर होगा वैसा, जिस पे आप चाहो। अच्छा सब पर वैसा किसी पे ले लो, ले रोक जाए रुक जाए। कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। कभी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, कभी इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल, यानी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार आने के बाद इस एक साल के अंदर अंदर, एक साल भी पूरा नहीं हुआ, 10 महीने हुए हैं, 10 महीने में इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा की ये तीसरी बार हड़ताल हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की आवश्यक सेवा की बार बार हड़ताल होना, ये हमारे प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ है। मैं चिकित्सा मंत्री जी को कहूँगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर जो भी संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत करके जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस सेवा को पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि यदि एम्बुलेंस सेवा बहाल नहीं की गई तो सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। क्योंकि इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा जो है उसके कारण जो गोल्डन आवर होते हैं मरीज को बचाने के मौत के मुंह से, उसमें वो इलाज के लिए गंतव्य स्थान पर पहुंचता है एम्बुलेंस के माध्यम से। परंतु ये दुर्भाग्य है कि तीसरी बार इनकी हड़ताल हो रही है और सरकार इनकी समस्याओं के बारे में गंभीर नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गंभीरता के साथ बातचीत करके तुरंत और हड़ताल को समाप्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स आए दिन हड़ताल करते हैं, पर यह बात सही है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैंने ये निर्देश दिए थे कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति दोषी है, किसने मारपीट की है। परंतु उस निर्णय को इन्होंने रद्द की टोकरी में डाल दिया। जितने स्थानों पर, जितने हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरे हमारे समय में लगे, उसके बाद इन्होंने इसमें कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक तो सरकार ये निर्णय ले कि जिन ये अपने पीएससी और सीएससी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ और रेजिडेंट डॉक्टर्स की मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आए दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स को सड़कों पर नहीं आना पड़े। ठीक है सर।